जिंदगी गुजरती रहेगी नॉर्मल, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे, फिर अचानक एक दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। ये सूर एक बाजे की शक्ल की चीज़ है, धीमी धीमी आवाज़ इसकी बढ़ती जाएगी। अब ये आवाज़ इतनी तेज़ बढ़ेगी कि धमाका होगा पूरी ज़मीन पर, जलजला आ जाएगा। इतना बड़ा जलजला आएगा कि कुरान में है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। तुम उस दिन देखोगे हमल वाली औरतों के पेट से बच्चे बाहर आ जाएंगे। हर आदमी जो दूध पिलाने वाली माँ जो है बच्चे को लेकर बैठी होगी, उस आवाज पर वो बच्चे को उठाकर फेंक देगी। कोई माँ अपने बच्चे को फेंकेगी? लेकिन वो दिन होगा जब माँ अपने बच्चे को फेंक देगी, हमला औरत उसका पेट निकल करके बच्चा बाहर आ चुका होगा। लोग जो जो काम कर रहे होंगे वहीं पर सब अपने काम छोड़ चुके होंगे। और उसके बाद फिर इसी सूर की आवाज के बढ़ते बढ़ते जब जमीन में जलजले आएंगे, सब खत्म हो चुके होंगे, सबकी मौत होगी। फिर अल्लाह फरमाता है, वह तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, पहाड़ों को धुनी हुई रुई की तरह उड़ाया जाएगा। इदा शम्स कुवरत व इदा नुजूम कदरत व इदल जिबालु सुयरत, जब तुम देखोगे सूरज को काला कर दिया जाएगा, तारे आपस में टकरा दिए जाएंगे, फाड़ दिए जाएंगे, और समंदरों में आग लगा दी जाएगी। ये सब पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी होगी, खत्म, ये कयामत है। इसके बाद फिर सारे जब फना हो चुके होंगे, अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत अता करेगा और रूह निकालने वाले फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत अता करेगा। अब कौन बाकी रहेगा? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, हर शय फना हो चुकी होगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ तुम्हारे रब की होगी। उसके बाद मौला करीम को जब मंजूर होगा इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएगा और फिर सूर फूंकने का हुक्म होगा, दोबारा सूर फूंका जाएगा। अब वो जो मंजर है वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है, आलम आखिरत है। जब सूर फूंका जाएगा तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान जिन्नात आए थे सबको उठाया जाएगा। हदीस पाक में है, अब वो दूसरे सूर से नफ़खे सानिया से सबसे पहले जो उठेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से उठेंगे। हुजूर ने फरमाया, दूसरे सूर के बाद मैं अपनी कब्र से इस तरह उठूंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर फारूक के कंधे पर होगा। इस शान से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान क़यामत में आएंगे और उसके बाद के जो मनाजिर हैं, हर आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, हर इंसान को मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा। और तुम्हें, चाहे तुमको मिट्टी खा चुकी हो, तुम किसी की ग़िज़ा बन चुके हो, तुमको जला दिया गया हो, तुमको पानी में गर्क कर दिया गया हो, किसी भी हालत में हो, और रब्बे कदीर फरमाता है, जब हमने तुमको नुतफे से पैदा किया पूरा इंसान, तो तुम्हारे जलाकर खाक हो जाने के बाद तुम्हारी राख से भी वो तुमको दोबारा जिंदा उठाएगा। जब तुम्हें जिंदा उठाया जाएगा, फिर ये मैदान होगा, यहाँ पर जो खड़ा करके हिसाब किताब का दिन होगा वो 50,000 साल के बराबर का होगा। अब ये एक लंबी लंबी दास्तान है मेरे अजीजों, वहाँ के जो हालात हैं, उस दिन एक आवाज़ आ रही होगी, एक आवाज़ आ रही होगी जिसको कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह फरमाएगा आज की बादशाहत किसकी है, आज की बादशाहत किसकी है। फिर मौला खुद फरमाता, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक कहर करने वाले खुदा की आज हुकूमत है। जो अकड़ते थे, जो घमंड करते थे, सबको खड़ा किया जा चुका होगा। और फरिश्ते पुकार रहे होंगे, ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं गुरूर में चलने वाले, कहाँ हैं अकड़ में रहने वाले, सब जमा हो जाओ। सबके गुनाह उनकी पेशानियों से जाहिर हो रहे होंगे, किसी को दाग दाग करके फरिश्ते निशान बना रहे होंगे कि ये चोर है, ये जानी है, ये शराबी है, ये हराम खोर भी करता रहा, सबकी अलग 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 निशानियाँ बनाई जा रही होंगी। उस भरे महशर के मैदान में हमारे लिए कौन है मेरे अजीजों? हम उसी रब्बे जुलजलाल को मनाने के लिए आज आए हैं। इस तस्वूर के साथ अब हम खड़े होकर उसका जिक्र करेंगे कि मौला आज हम तुझे मना रहे हैं, तो हम सबसे सुलह फरमा ले, कल भरी कयामत के दिन हमें नंगा और जलील होने से महफूज फरमा ले। और कयामत का दिन होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मेरा रब इसी जिक्र की मजलिस की बरकत से हमारी बख्शिश का ऐलान फरमाएगा। वो दिन कितना खूबसूरत होगा, ज़रा तसव्वुर करो कि इस जिक्र की मजलिस को अल्लाह ताला जरिया बनाए, और कयामत के दिन जब सब खड़े होंगे लाखों की तादाद में और तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा होगा, फलां का बेटा फलां कहाँ है, तुम गर्दन ऊंची करके देख रहे होंगे, क्या है मेरे हिसाब में, क्या है मेरे पल्ले में, तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए जन्नत है।